पहले उसको बता देंगे सब चीज़ें हम खरीदे डिकाथलॉन से, डिकाथलॉन। और इसमें है एक कैराबाइनर, ठीक है, एक ट्रेकिंग स्ट्रेचेबल ग्लव्स जो कि कॉन्डक्टिव फिंगर के साथ आता है, एक अंडर गारमेंट मेरिनोल का मतलब लोअर, इसके पहले हम इससे पहले आपको अपर वाला दिखाया था, ये मेरिनोल का लोअर वाला है। और एक क्वीन प्रूफ बालाक्लावा भी है, ये पिछले वाला बालाक्लावा से कुछ खास है क्योंकि ये इसमें कुछ और भी खासियत है जो हम आपको दिखाएंगे अभी खोल के। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको अनपैक करते हैं। और हमेशा की तरह सब हर एक आइटम का परचेज लिंक आपको ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। जाना पड़ा इसके लिए, काफ़ी चल रहे दोस्तों, टूट गया है, कोई बात नहीं, इसका सॉफ्ट कॉपी भी रहता है, तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज जो जो चीज़ के साथ हम आपको ये वीडियो पेश करेंगे वो पहले रखते हैं, बाकी के सारे अगले हिस्से में आपको दिखाई देगा। ये एक तो ये पहले आइटम के साथ हम आएंगे आपके सामने, पहले इसी से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे छोटा है, तो छोटे को पहले चांस देते हैं। तो ये हमारा कैराबाइनर, कैराबाइनर जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि ये कैसे खोला जाता है, ये स्क्रू गेट सिस्टम के साथ है, तो स्क्रू गेट फर्दर एडेड सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। ये स्टील वाला है, स्टील में कार्बन कंटेंट भी है, तो ये इंपोर्ट किया गया है फ्रांस से, ठीक है, ये मेड इन फ्रांस है। ये स्प्रिंग एक्शन भी है इसमें, और इसका जो स्ट्रेंथ का हिसाब होता है ये भी लिखा हुआ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी। इसको पहले हम खोलेंगे उसके बाद दिखाएंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेंथ का हिसाब होता है एक्सिस के जरिए, जैसे कि ये 3000 वाला मॉडल है साइमन का, इसका एक्सिस वाला स्ट्रेंथ के हिसाब होगा, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखिए 30, ठीक है, 30 10 10, इसका मतलब है किलोन्यूटन के अनुसार मापा जाता है इसका जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब जिस हद तक वो सह सकता है। तो स्ट्रेंथ के हिसाब के अनुसार जो एक्सिस होता है, एक्सिस का ये होता है कि ये वाला इस ऐसे को ये लंबा हिस्सा को मेन एक्सिस पकड़ा जाता है, तो इस एक्सिस में इसका रिशार्ड लेने का मतलब लोड लेने का स्ट्रेंथ है 30 किलो न्यूटन। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा है, मतलब एक आदमी का वेट तो ये ले ही सकता है, ऊपर से बहुत सारा लगेज का भी वेट ले सकता है। और मान लीजिए कि आप अगर ऊपर से अचानक गिर पड़े तो वो जार्किंग का जो शॉक होता है
उसका उसका जरिए जो उसका जरिए जो बढ़ती टेंशन होता है वो भी ये सह सकता है आसानी से। अच्छा, माइनर एक्सिस पकड़ा जाता है ये वाला को, तो माइनर एक्सिस में भी इसका है स्ट्रेंथ 10 किलो न्यूटन। ठीक है, 10 किलो न्यूटन भी बहुत ज़्यादा है माइनर एक्सिस के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही प्रेशर आते हैं, ऐसे कम आते हैं, तो 10 किलो न्यूटन है। और ये वाला गेट जो है ओपन गेट का स्ट्रेंथ भी है आपका 10 किलो न्यूटन, मतलब माइनर एक्सिस के बराबर ही इसका फीचर है, मतलब स्ट्रेंथ का कंपेरेबल स्ट्रेंथ है। और ये आपको फ्रेश वाटर से क्लीन करना है, ठीक है, केमिकल यूज़ नहीं करना है, और जैसे कि कूल ड्राई प्लेस प्लेस में आप उसको रखेंगे और केयरफुली यूज़ करेंगे, यही बात है। और ये भी सर्टिफाइड है, ईएन सर्टिफाइड भी है और यूआईए सर्टिफाइड भी है, 2 साल का वारंटी भी है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पेचकस, ये आपको ट्रेकिंग में काम आता है। और दूसरे सारे चीज़ें जो भी चीज़ आपका कैरी करना हो ये आप रख सकते हैं, ये आपका काम आएगा हमेशा। और ये कैजुअल चलाने में ये है, अगर आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए स्ट्रेंथ वाला, मतलब माउंटेनियरिंग या ट्रेकिंग के वक्त, हाई इंटेंसिटी ट्रेकिंग के वक्त, तो ये स्क्रू गेट मेकानिज़म के ज़रिए आप इसको लॉक कर सकते हैं ताकि जो रोप है वो बाहर ना निकल आए। तो दोस्तों ये था पहला पेचकस, अब हम आएंगे दूसरे वाले में। दूसरा वाला है ये ग्लव्स। ग्लव्स का खासियत क्या है, पिछले वाले एपिसोड में हमने आपको एक ग्लव्स दिखाए थे, उसके साथ इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है सिवाय दो तीन चीज़ों का। पहला बात तो ये है कि ये स्ट्रेचेबल है, दूसरा बात ये है कि ये टैक्टाइल ग्लव्स है। दोस्तों पिछली बार मैंने जो ग्लव्स ख़रीदा था उसको बहुत ही वो सस्ता था, अच्छा भी था, लेकिन फ्लीस का ग्लव्स था, फिटिंग भी अच्छा था, लेकिन जब मैंने गुरुदंगमार या फिर कई सारे जगहों में वो ग्लव्स पहनकर मोबाइल ऑपरेट करने की कोशिश किया, तब मैं जाके देखा कि ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टच स्क्रीन में वो वाला ग्लव्स काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टैक्टिविटी। तो इसीलिए ये वाला ग्लव्स है, इसको टैक्टाइल ग्लव्स कहते हैं। ये देखिए, ये उंगली पे ये कॉन्टैक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, इस उंगली पे, दोनों हाथों के ही इस उंगली पे कॉन्टैक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है, और इसके ज़रिए आप अगर चाहे तो मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं। ये उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, इसका और भी कुछ ये है, मतलब खासियत है। पहला बात तो ये है, ये कोल्ड वेदर के लिए बनाया गया है। हाँ, तो कोल्ड वेदर के लिए ये बनाया गया है, और -10, ठीक है, मतलब ये इसका रिकमेंडेड टेम्परेचर जो है ये -4 से लेके 2 तक आप आसानी से, मतलब +4 से लेके +9 से लेके 4 तक आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड टेम्परेचर 9 डिग्री और लिमिट टेम्परेचर है 4। अगर अगर इससे भी ठंड जगह में आप जा रहे हो तो अंदर आपको इनर एक ग्लव्स का लेयर पहनना होगा, फ्लीस का हो जो भी हो। तो आइए इसको इसका हम अभी देखेंगे कि फिटिंग कैसा है, इसको हम खोलना चाहेंगे। तो फिटिंग काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है, मेरे ख्याल से। और ये जो है ग्लव्स, इसको आप अगर चाहो तो थोड़ा बहुत ये तो छुएगा, ये है ग्लव्स को आप यूज़ करने से पहले एक बार वॉश कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। उसको छोड़ के बता सकते हैं कि ये ग्लव्स तो अच्छा ही है, मुझे जैसा लग रहा है कि एब्रेशन रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर, मतलब सॉरी एब्रेसिव कंपोनेंट भी लगाया हुआ है ताकि आपको आपका ग्रिप में अगर कुछ ग्रिप करोगे तो वो स्लिप ना कर पाए। तो दोस्तों ये अच्छा सा फिटिंग से ग्लव्स को आप एक साथ जोड़ के रख सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है, और ये पकड़ के खोल भी सकते हो, ऐसे पकड़ के आप खोल भी सकते हो।
हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये है बालाक्लावा। बालाक्लावा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बालाक्लावा में क्या है दोस्तों, ये बालाक्लावा भी इम्प्रूव है पिछले बालाक्लावा के जैसा ही, लेकिन इसमें खासियत ये है, ये एक्स्ट्रा फ्लीस लेयर इसके नाक के नीचे होगा, ये है एक्स्ट्रा फ्लीस वाला लेयर, ये आपके नाक के नीचे होगा क्योंकि ताकि नाक में आपका ठंड ना लगे, ये वाला लेयर भी है यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो इसका खासियत ये है कि आपके मुंह का वेंट यहाँ पे है और नाक के लिए ये जगह खाली छोड़ा गया है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पिछले वाला निंजा बालाक्लावा में हमने देखा कि जहाँ पे कोल्ड वेदर होता है, माइनस में होता है या फिर बहुत ड्राई वेदर होता है, वहाँ पे क्या होता है, अगर ये वाला वेंट नहीं रहेगा कि यहाँ पर खाली नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपका नाक जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो वहाँ पे वैसे भी ऑक्सीजन कम होता है, तो कम होने के बाद अगर ये भी ब्लॉक होता है तो आपको सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होगा। तो ये वाला दुविधा दूर करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए ये खास फीचर इसमें दिया गया है। यहाँ पे माउथ जो कवर करते हैं मुंह अपना, ये मेश वाला पोर्शन कवर करते हैं, तो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ब्रेथ लेने में भी कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। और नाक का मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा गिर जाता है तो आपका नोज टिप जो है उसका प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्स्ट्रा फ्लीस वाला लेयर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी 2 साल का वारंटी के साथ आता है। ये इसका प्राइस है, आपका MRP है 9199, हमको सिर्फ 999 में मिला है ये। इसका भी लिंक आपको परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका नाम है इंटू बालाक्लावा मकालू ब्लैक, ठीक है दोस्तों। और वो वाला जो ग्लव्स हमने अभी अभी आपको दिखाए बताना भूल गए, प्राइस बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। ग्लव्स का है MRP 999 है, हमको मिला है 599 में। डिस्काउंट हैवी है दोस्तों, तो देर मत कीजिए। और स्क्रू गेट कैराबाइनर जो पहले दिखाया है वो MRP है 1199, हमको मिला है 799 में। तो दोस्तों ये था पहला 3 प्रोडक्ट, अब आगे बढ़ेंगे लेकिन पहले देख लेंगे कुछ छोड़ गए कि नहीं। नहीं कुछ छोड़ा नहीं है। तो अभी ये ओ एक बात और, ये तो नहीं मीट प्रूफ है, आप जानते भी हो, इसके साथ ये वाटर रिपेलेंट भी है, ठीक है। मतलब माइल्ड रेन या स्नो में ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ये अंदर फ्लीस का बनाया गया है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, ये नेट मेशिंग मेश भी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथा और आखिरी प्रोडक्ट के साथ आज का वीडियो का। ये है मेरिनो उल वाला लोअर, जो लोअर का MRP है 3099, हमने खरीदे 2199 पे, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही मशहूर मेरिनो उल से बनाया गया है, जो कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलता है फिलहाल, और बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया गया एनिमल को। मॉइस्चर मैनेजमेंट इसमें अपने आप, मॉइस्चर आपका जो होते हैं हाई एब्जॉर्बेंस ही है, तो बॉडी को ड्राई रखता है, और थर्मल रेगुलेशन भी अच्छा है। मतलब ज़्यादा ठंड होगा तो भी ये मेंटेन करेगा, अगर कम ठंड होगा तो भी आपके बॉडी के साथ ये मेंटेन करेगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, इलास्टिन इसके साथ दिया गया है। और दोस्तों ये बहुत ही लाइट है, ये सिर्फ 191 ग्राम का साइल साइज में है, बहुत ही सॉफ्ट है और नॉन इची है, इसलिए आपको नॉन एलर्जिक है, एलर्जी नहीं होगा इसमें। तो ये देखते हैं, ये 4+ का ही है, ये कुछ इलास्टिक बैंड वाला दिया गया है इनर में पहनने के लिए। बहुत ही पतला और हल्का है दोस्तों, देखने में लगता नहीं है कि ये ठंड में कुछ कर पाएगा, लेकिन एक्चुअली करता है, क्योंकि मेरिनो का आपट जो है वो भी मेरे पास है। मैंने मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन बाद में मैंने जाके देखा जब सच में ऐसा होता है टेम्परेचर ड्रॉप, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप यूज़ करेंगे तब जाके यकीन करेंगे। ये है कॉन्टेंट्स मेरिनो लिखा हुआ है। तो दोस्तों
ये चार आइटम का डिस्क्रिप्शन मतलब परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हाजिर होंगे बिल्कुल नए नए परचेज के साथ। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।